ऑडियो के है स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है एक बार कंफर्म कर लीजिए हेलो ऑडियेबल हो सकते हो आप लोग कोई चैट तो बॉक्स में भी तो मेंशन कर देंगे है ना बिल्कुल म्यूट करके और ये सब थोड़ा सा रिस्पांस करेंगे तो पता लगेगा ऑडियो लाइव सारी चीजें प्रॉपर है कि नहीं ओके तो लास्ट टाइम हम लोग कवर किए थे यानी कि डे वन के मॉड्यूल में कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में एंड रिलेटेड कुछ यहाँ पे कॉम्पोनेंट हम लोगों ने चेक किया था जो कि आयो पोर्ट्स वगैरह को लेकर था तो अभी हम लोग इसी को जस्ट कंटिन्यू करते हैं हार्डवेयर पर ज्यादा हम लोग फोकस नहीं करेंगे क्योंकि तो ज्यादा इस पर आपको काम नहीं रहेगा बस ट्रबल शूटिंग की चीजों को हम लोग देखेंगे क्या है कैसे है पेरिफेरल डिवाइसेस हम लोगों ने देख लिया था अब इसके कनेक्टर की बात करें तो जब भी एक कंप्यूटर सिस्टम आप असम्बल करते हैं या एक लैपटॉप हुआ डेस्कटॉप हुआ तो बहुत सारे ऐसे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे ऐसे कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है अब यहाँ पे कुछ कनेक्टर्स वगैरह की अगर बात करें तो ये हमारे पास एक नेटवर्किंग के लिए कनेक्टर अवेलेबल होता है जिसको एज अ लैंड केबल बोला जाता है दिस इज द लैंड केबल ये जो है और ये हमारा यूएस कनेक्टर है या यू कन्वर्टर बोल सकते हो या यू एक्सटेंशन बोल सकते हैं और ये तीनों ये जितना भी इधर का आप देख रहे हो ये हमारे एस एम पी एस स्विच मोड पावर सप्लाई जो होता है ये हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर पे लगा होता है आप इसको देख सकते हो सर्च कर सकते हो ऐसा आपने देखा होगा एस एम पी एस तो इस तरीके की डिवाइस होती है और ये सर्वर से लेके हर जगह पे आपको ये एस एम पी एस लगा होता है इसी के थ्रू आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है या आपके जो भी डिवाइसेस हैं उनको पावर सप्लाई उनके मदरबोर्ड या जो भी डिवाइसेस मदरबोर्ड्स हैं उस पर प्रोवाइड किया जाता है राइट तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कॉम्पोनेंट्स लगे होते हैं अगर कुछ कॉम्पोनेंट्स की हम लोग बात करें इधर तो हमारे पास आ जाता है एक ट्वेंटी फोर पिन ट्वेंटी पिन ये जो होता है ये ट्वेंटी या ट्वेंटी फोर पिन का होता है और लेटेस्ट जितना भी आप ये कनेक्टर देखेंगे इसको बोला जाता है लाइक like, आपके जो मदरबोर्ड होते हैं ना उसके लिए कंप्लीट पावर सप्लाई होता है और इसको ए टी एक्स कनेक्टर बोल सकते हो आप और ये हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है यानी कि लेटेस्ट मदरबोर्ड वगैरह पर ट्वेंटी फोर पिन का कन्वर्टर आपको देखने को मिल जाएगा तो इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास पी सी आई ई कनेक्टर होता है पी सी आई ई मीन्स होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस एक्सप्रेस कनेक्टर और जो भी हमारे एडिशनल कार्ड हमारे मदरबोर्ड पर लगे होते हैं यानी कि कंप्यूटर सिस्टम मदरबोर्ड पर लगा होता है जैसे कि ग्राफिक कार्ड हो गया या अनदर कोई भी ऐसा कार्ड तो उसको पावर सप्लाई प्रोवाइड करने का वो एक्स्ट्रा पावर सप्लाई जो होगा वो ये पी सी आई ई कनेक्टर का काम होता है इसके बाद यहाँ पे एक साटा कनेक्टर है और साटा स्टैंड फॉर सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट तो इसका काम होता है आपके जो साटा हार्ड डिस्क हैं या साटा सी डी डी वी डी राइटर हैं उसको पार सप्लाई प्रोवाइड करना यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क कनेक्टर है फिर यहाँ पे पी फोर एम बी कनेक्टर है मतलब कि आपके मदरबोर्ड पर एक्स्ट्रा पार सप्लाई और उसके लिए होता है और यहाँ पे आपका मोलेक्स कनेक्टर हो जाता है इसको मोलेक्स कनेक्टर बोलते हैं और मोलेक्स कनेक्टर का काम होता है रिलेटेड related... मोलेक्स कनेक्टर का काम होता है लेट ज्वाइन करते हैं कुछ लोग यस मैं कहा था मोलेक्स कनेक्टर पर तो मोलेक्स कनेक्टर का काम होता है आपके जो पाटा बेस्ड टेक्नोलॉजी था यानी कि बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी अब तो ये आपको देखने को नहीं मिलेगा बट पाटा हार्ड डिस्क वगैरह जो कॉन्सेप्ट था उसमें ये देखने को मिलता था थोड़ा सा हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं जैसे साटा एच वैसे आगे इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे तो इस तरीके की हार्ड डिस्क आपको देखने को मिल रही होगी पाटा भी इसी तरीके से था लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है जैसे पाटा हार्ड डिस्क हमें इसमें आपको इस तरीके का कनेक्टर देखने को मिल जाएगा फोर्टी पिन का और इधर आपका मॉलेक्स कनेक्टर इस्तेमाल होता है इसको पावर सप्लाई देने के लिए ओके और साटा पावर सप साटा एच डी डी जो थी साटा एच डी डी या साटा डिवाइसेज जो आती थी अभी तो इसको भी रिप्लेस करके एस एस डी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं बट इसमें आप चेक कर सकते हो इधर कुछ इस तरीके से साटा कनेक्टर कन्वर्टर है और इसके पोर्ट वगैरह में अगर आप चेक करेंगे किसी हार्ड डिस्क पे पोर्ट नहीं दिख रहा है किसी एक को हम लोग यहाँ से बस ऐसे डिस्प्ले करते हैं तो ये आप देख रहे हो और यहाँ पे ओपन हो रहा है इतना स्लो क्यों ओपन हो रहा है इधर आप देख सकते हो ये जो कन्वर्टर है यहाँ पे आपका तो मास्टर एंड स्लेव का होता है बट इधर जानने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आपके पास दो इंटरफेस देखने को मिलेगा एक है सेवन पिन इंटरफेस कनेक्टर और एक हमारा साटा इंटरफेस के लिए फिफ्टीन पिन का कनेक्टर इधर होता है तो इसको भी रिप्लेस करके अब साटा एस एस डी आने लगा है कनेक्टर सेम इस्तेमाल किया जाता है तो ये कुछ कनेक्टर है इसके अलावा यहाँ पे कुछ केबल है जो कि इंटरनेट कनेक्शन को हैंडल करने के लिए होता है ये आपका फाइबर ऑप्टिक केबल है और यहाँ पे आपको वी केबल मिल जाता है वी केबल ऐसे होता है और ये केबल टेस्टर है या मीटर बोल सकते हैं जिसके थ्रू आप अपने डिवाइसेस के पार इनपुट या वन पॉइंट टू अदर पॉइंट टर्मिनल को चेक करते हो ओके तो ये सब है अब यहाँ पे मदरबोर्ड अब मार्केट में जाएंगे अगर देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मदरबोर्ड देखने को मिलेंगे जैसे कि अगर नॉर्मली हम लोग बात करें तो लैपटॉप के लिए मदरबोर्ड अलग बनाए जाते हैं सर्वर हार्डवेयर के लिए अलग बनाए जाते हैं डेस्कटॉप पीसी के लिए अलग बनाए जाते हैं नॉर्मल डेस्कटॉप पीसी होता है वो अलग होते हैं एंड जो गेमिंग मशीनें होती हैं ये इनके कंसोल या इनके मदरबोर्ड अलग होते हैं राइट तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मदरबोर्ड मार्केट में देखने को मिलेंगे जिसमें यहाँ पे मदरबोर्ड टाइप्स या मदरबोर्ड का काम क्या होता है कि ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है अब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मीन्स की पे जो भी चीजें ये माउंट की गई हैं पहले तो इसका पूरा का पूरा ये जो बोर्ड है ये प्रिंटेड सर्किट होता है या इस पे सर्किट प्रिंट किया जाता है राइट आपने देखा होगा इसमें लाइन जैसे ऐसे पहले बोर्ड पर बना होता है कि क्या चीज कहाँ से कैसे पार सप्लाई इनपुट प्रोवाइड करना है मिनट ओके okay. तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ये होता है और इन जनरल पर्पस इस पर जितनी भी डिवाइसेस होती हैं हम इसी पर माउंट करते हैं राइट जितने भी हमारे पोर्ट्स होते हैं इसी पर माउंट किए जाते हैं या माउंट होते हैं जिन पे हम लोग यूज करते हैं तो अगर इस मदर को हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखें या थोड़ा सा जूम करके देखें कुछ इस तरीके से तो ये जो सेक्शन आपको देखने को मिलता है अभी एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं आगे आते हैं पहले यहाँ पे आप देखो या सिंपल ये जो लेटेस्ट है और ये हमारा एक पुराना मदरबोर्ड है पुराने वाले पे तो चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो इस मदरबोर्ड में ये जो एरिया है यहाँ पे आई थिंक येलो कलर वर्क करेगा प्रॉपर ये जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है ये आपका होता है सीपीयू इंस्टॉलेशन के लिए राइट right? यहाँ पे क्या होता है आपका सीपीयू या प्रोसेसर इंस्टॉल किया जाता है और ये जो एरिया है ये आपका रैम स्लॉट होता है इधर चार रैम स्लॉट दिया हुआ है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो यहाँ पे जो एरिया है इतना ये आपके आईओ पोर्ट्स होते हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं अनदर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारे एक्स्ट्रा हार्डवेयर कंपोनेंट अप्लाई करने के लिए होते हैं लाइक ग्राफिक कार्ड लैन कार्ड साउंड कार्ड इधर आप अप्लाई कर सकते हो पीसीआई और पीसीआई ई एक्सप्रेस कार्ड इनको बोला जाता है तो पीसीआई कार्ड ऑडियो लैन पोर्ट इन सब चीजों के लिए होता है बट पीसीआई ई -E जो होता है वो ग्राफिक कार्ड को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसके बाद आई थिंक इधर ही कहीं आप देखेंगे तो एस एस डी स्लॉट्स भी अवेलेबल हो सकता है राइट right. एक एरिया आप देखेंगे नॉर्थ ब्रिज एंड साउथ ब्रिज का होता है ये कॉर्नर पे ऐसे ही एक चिप लगा होगा तो ये हमारा नॉर्थ एंड साउथ ब्रिज का पोल होता है और यहाँ पे हमारे पास जो एरिया होता है ये पर्टिकुलर ये सीमॉस बैटरी होता है और सीमॉस बैटरी ये एक आई थिंक थ्री पॉइंट फाइव वोल्ट की बैटरी होती है और ये बैटरी का काम होता है आपके सिस्टम के करंट डेट एंड टाइम और बायोस की सारी सेटिंग को सेव करके रखना जब ये बैटरी खराब हो जाता है तो आपका सिस्टम क्या हो जाता है बार बार रीस्टार्ट करने पर टाइम एंड डेट को बदल देता है तो उसको फिक्स करने के लिए आप इस सीमॉस बैटरी को दस पंद्रह रुपए का मार्केट में मिल जाएगा आप इसको रिप्लेस कर सकते हो राइट इसको में कुछ नहीं करना होता है जस्ट बैटरी सेल है इसको निकालो और लगा दो दूसरा तो यही वजह से हमारा जो बायोस का डेट है टाइम है अदर सेटिंग्स है वो रिफ्रेश होता रहता है या रीसेट होता रहता है कभी कभी क्या होता है कि हमारा ये बैटरी खराब हो जाने से सिस्टम रिबूट होने लगता है और प्रॉब्लम ये आती है कि बैक डेट होने की वजह से बार बार आपका इंटरनेट एक्सेस भी ब्लॉक हो जाता है क्योंकि जितने भी नए सर्वर हैं वो नए टाइम सिंक्रोनाइज करके ही आपके डेटा को एक्सेस कराते हैं अगर आपका टाइम और डेट पीछे है और आपका सिस्टम बार बार टाइम और डेट को पीछे लेकर चला जा रहा है तो ये आपका एक्सेस नहीं होगा इंटरनेट प्रॉब्लम आएगा राइट तो इस चीज से बचना है ऐसी ट्रबल शूटिंग के लिए तो इस बोर्ड को या इस बोर्ड पर हमें क्या करना होता है इस सेल को रिप्लेस करना होता है उसके बाद ये पुराना एक मदर बोर्ड है पीसीआई और पीसीआई -E. दोनों में डिफरेंस है मी शो इधर आपका क्या है पीसीआई है और इसी में आपका आ जाता है पीसीआई और ई e. तो एक्सप्रेस कार्ड और पीसीआई पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस होता है इसका फुल फॉर्म Peripheral. Peripherals means external devices जो हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में एड करते हूँ कनेक्ट करते हूँ सो पेरीफेरल कॉम्पोनेट इंटरफेस और ई e का मतलब यहां पर होता है एक्सप्रेस तो एक्सप्रेस कार्ड वो कार्ड होते हैं जो जी यूआई ग्राफिक कार्ड वगैरह को सपोर्ट करते हैं और पी सी आई मीन्स लैंड कार्ड ऑडियो कार्ड ये सब आते हैं अगर आपका ऑडियो पोर्ट वगैरह काम करना बंद कर दे तो आप इसको यूज कर सकते हो यहाँ पे पाँच छह सौ रुपए में अनदर कार्ड खरीद के ऐसे ही हमारा ये जो एरिया होता है यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको एन बोला जाता है नॉर्थ ब्रिज होता है ओके और यहाँ पे जो एरिया होता है ये साउथ ब्रिज होता है नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज अलग अलग देखने को मिलता है पहले के मदरबोर्ड में बट अभी के मदरबोर्ड में आपको एक कम्बाइन चिप देखने को मिल सकता है उसके बाद ये जो एरिया है यहाँ पे रैम इंस्टॉल किया जाता है ये जो एरिया यहाँ पे प्रोसेसर इंस्टॉल होता है इधर का जो भी एरिया है ये आपके आईओ पोर्ट्स होते हैं और हमारा सीपीयू सॉकेट है अब सीपीयू हीट सिंक भी इसी पे होता है सीपीयू हीट सिंक आपका मतलब देखेंगे तो ऊपर फैन होता है वो भी अजय हीट सिंक का, का काम करता है उसके बाद पावर कनेक्टर यहाँ पे जो ट्वेंटी फोर पिन का होता है वो ऐसे ही मदरबोर्ड पे इधर पावर कनेक्टर के लिए होता है हार्ड डिस्क वगैरह का यहाँ पे कनेक्टर दिया हुआ है ऐसे छोटे छोटे कनेक्टर्स होते हैं ये पाटा हार्ड डिस्क कनेक्टर यहाँ पे आप देख रहे हो ना चालीस पिन का ये कनेक्टर होगा ऐसे बोर्ड पर तो ये आपका पाटा हार्ड डिस्क का कनेक्टर होता है बट आज के समय पर ये इस्तेमाल नहीं होता इतना आई थिंक नहीं देखने को मिलेगा इसकी जगह पे क्योंकि उसमें विंडोज सेवन एट टेन ये नहीं चलता है मतलब टेन और ये सब चीजें नहीं चलेंगी प्रॉपर तरीके से राइट तो अभी हमें साटा बेस देखने को मिलेगा जो कि एक यूएसबी टाइप ऐसे छोटे छोटे पोर्ट होते हैं मैं इसको दिखाता हूं इंटरनेट पर लाइक साटा पोर्ट ऑन मदरबोर्ड तो मदरबोर्ड पर साटा पोर्ट हम लोग देखे तो ऐसे आपको पोर्ट देखने को मिल जाएगा राइट तो ये पोर्ट हमारे क्या होते हैं साटा इंटरफेस यानी कि साटा हार्ड डिस्क या एस वगैरह को कनेक्ट करने के लिए होता है तो साटा को भी रिप्लेस करके आपने देखा होगा एन का इन्वायरमेंट आ गया है बहुत ही छोटी सी हार्ड डिस्क आपको इंस्टॉल करने को मिल जाता है तो ये सब हमारे मदरबोर्ड के कॉम्पोनेंट्स हैं अब अगर हम लोग लेटेस्ट मदरबोर्ड की बात करें तो यहाँ पे ए का मदरबोर्ड होता है वैसे सारे मदरबोर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है जो लेटेस्ट मदरबोर्ड है उन्हीं के बारे में आप रखें क्योंकि ए वगैरह जो मदरबोर्ड है और ए मदरबोर्ड है माइक्रो ए है मिनी आई है ई ए, -ए है ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा जैसे कि आप मार्केट में एक कैबिनेट असेंबल करने जाओ जैसे मैं कोई भी एक चीज लेता हूं देखो अब इससे इससे क्या हमें सीखने को मिलेगा मान लिया कि एंट स्पोर्ट आर कैबिनेट अभी देखना मैंने ये ले लिया और आई थिंक एमेजोन पर ये एक कैबिनेट है अब इस पे हमने सेलेक्ट किया अब ये देखो यहाँ पे क्या सपोर्ट कर रहा है माइक्रो एटीएक्स मिनी आईटीएक्स ATX ये सब मदरबोर्ड आप इस पर इंस्टॉल कर सकते हो आपको जब पता होगा कि ये मदरबोर्ड होते कैसे हैं या हमारा कौन सा मदरबोर्ड है तभी तो आप इसमें वो चीज़ इंस्टॉल कर पाएंगे समझ रहे हैं हेलो ऑडियो एवरीथिंग इज फाइन यस सर ओके तो ये मदरबोर्ड की कैटेगरीज होती है और ये सबसे लेटेस्ट एक हैवी गेमिंग मदरबोर्ड आपके सामने देखने को मिल रहा है इसपे भी कॉम्पोनेंट्स वही हैं सारे और मैक्सिमम uh, चीजें आप इधर देखने को पा जाएंगे लाइक रैम स्लॉट से लेकर पीसीआई एंड पीसीआई स्लॉट सीपीयू प्रोसेसर आयो पोर्ट एरिया हीट सिंक एंड ब्रिज एंड साटा कनेक्टर्स ओके okay, तो मैक्सिमम ये सारी चीजें हैं एनवीएम स्लॉट भी इधर देखने को मिल जाएगा आई थिंक दिस वन ये है इसमें साफ साफ नहीं दिख रहा है तो ये आगे इसमें थोड़ा सा देखते हैं तो यहाँ पे एटीएक्स मदर बोर्ड राइट सो ए टी एक्स स्टैंड फॉर होता है एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड इसका फुल फॉर्म है एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड एंड ये मदरबोर्ड जो होता है पावर सप्लाई स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकली इसका देखेंगे तो लेटेस्ट, लेटेस्ट मदरबोर्ड में आ जाएगा और ये इंटेल 1995 से इंप्रूव करके ऐसे ए और ऐसे डिजाइन को ये इस लेवल के मदरबोर्ड में यूज करता है अब इसका जो डायमेंशन होता है ये ए बोर्ड का साइज होता है और फोर इंटू नाइन सिक्स इंच का होता है राइट और ये ए जैसे कैबिनेट वगैरह में इस्तेमाल किया जा सकता है या माइक्रो एटीएक्स बोर्ड वगैरह पे आप माइक्रो एटीएक्स बोर्ड वगैरह बोल सकते हो तो ऐसे कैबिनेट में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो तो एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट जो है इंटेल द्वारा डेवलप एक मॉडल है आगे आप बढ़ेंगे ए टी तो एटी जो है एडवांस टेक्नोलॉजी मैथडोलॉजी की बात करें तो ये एक पुराना मदरबोर्ड है जैसे कि अ मदरबोर्ड दैट फॉलो द सेम डिजाइन ट्वेल्व इंटू थर्टीन के फॉर्म फॉर्म फैक्टर में अब जितना लेटेस्ट आप देखेंगे ना जितना लेटेस्ट उतना ही स्मॉल आपको देखने को मिलेगा और उतना ही पावरफुल आपको देखने को मिलेगा पुराना मदरबोर्ड आप देखो तो बड़े बड़े इतने बड़े मदरबोर्ड ऐसे देखने को मिलते थे और उसमें हैवी हैवी कार्ड लगा होता था आज के मदरबोर्ड उससे ट्वेंटी थर्टी टाइम फास्ट हैं बट क्या है कि बहुत छोटे कॉम्पैक्ट और छोटे छोटे चिपसेट के साथ आते हैं तो ये हमारा आई द्वारा डिजाइन एक मॉडल है जिसमें आप देख सकते हो रैम स्लॉट है नॉर्थ ब्रिज है साउथ ब्रिज का पोल है है ना एंड सीपीयू प्रोसेसर के लिए है PCI एंड अनदर कंपोनेंट्स यहाँ पे PCI एक्सप्रेस के लिए है यहाँ पे हमारा और यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड चीजें है और आयो पोर्ट के नाम पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आयो पोर्ट मुझे अगर मान लिया यूएसबी पोर्ट कनेक्ट करना है तो इसमें है ही नहीं ए के मदरबोर्ड में काफी पुराना मॉडल है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा एक यूएसबी कार्ड लेकर आना पड़ेगा और यहाँ पे पीसीआई स्लॉट पे हमें कनेक्ट करना पड़ेगा राइट ये सब ग्राफिक कार्ड है तो हमें पीसीआई ई e स्लॉट पे कनेक्ट करना पड़ेगा साउंड कार्ड हमें चाहिए साउंड ऑडियो आउटपुट चाहिए तो हमें यहाँ पे एक कार्ड लेकर आकर कनेक्ट करना पड़ेगा और इसको बोला जाता है पीएस इसको मैंने कल बोला था कि ये आपका डिसेबल नहीं किया जा सकता ये परमानेंट एंड फिक्स होता है हार्ड डिस्क वगैरह को आप डिसेबल कर सकते हो अपने भाओस से बट पीएस टू पोर्ट को डिसेबल नहीं कर सकते यहाँ पे कीबोर्ड माउस आप कनेक्ट कर सकते हो तो उसके बाद जस्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास माइक्रो एटीएक्स मदरबोर्ड है माइक्रो एटीएक्स मदरबोर्ड लेटेस्ट एंड न्यू मेन बोर्ड बोल सकते हो मदरबोर्ड जो कि हैवी एंड गेमिंग पर्पस के लिए प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो आपको अगर कोई भी ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि गेमिंग या प्रोग्रामिंग हैवी है तो आप यहाँ से माइक्रो एटीएक्स मदरबोर्ड पे जा सकते हो जिसमें असस वगैरह का एक मॉडल है यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोसेसर यूनिट है एट सिंक है आईओ पोर्ट है पी सी आई स्लॉट है रैम स्लॉट है आपका पी सी सॉरी आपका पावर सप्लाई यूनिट है ट्वेंटी फोर पिन प्लस uh, आपके अनदर एस एस डी स्लॉट्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे आपके अनदर पार कंपोनेंट मिल जाएंगे इनपुट आउटपुट या पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे मल्टीपल स्लॉट्स मिल जाते हैं तो काफी चीजें इधर देखने को मिल जाएंगी ओके okay, बायोस बैटरी यानी कि सीमास बैटरी यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा तो मदरबोर्ड पे जो कॉम्पोनेंट्स है वो सेम है बट यही है कि उनको थोड़ा सा उस लेवल पे डिजाइन किया जाता है जैसे हमें उसका इस्तेमाल करना होता है मिनी आई टी एक्स की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा मिनी आई टी एक्स मदर का एक टाइप है इसमें मदरबोर्ड जो है फॉर्म फैक्टर डेवलप किया गया है बाय वाया वाया टेक्नोलॉजी इन 2001 और ये स्मॉल कन्फिग्रेशन कंप्यूटर सिस्टम बेस है मिनी मीन्स थोड़ा छोटा होता है ओके okay? और ये भी एक काफी एडवांस एंड हाई प्रोसेसिंग यूनिट बोर्ड बोला जा सकता है right? राइट उसके बाद ई ए टी एक्स वगैरह आपका ऐसा कंपोनेंट है और ई एटीएक्स वगैरह जो होता है ना ये जो डायमेंशन में काफी आपको बड़ा देखने को मिलेगा बट यहाँ पे हमें काफी हैवी कंपोनेंट देखने को मिल जाएंगे और सर्वर लेवल के मदरबोर्ड वगैरह में ऐसा ई ए टी एक्स यानी एक्सटेंडेड एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बिगर वर्जन है और सर्वर वगैरह जैसी यूनिट को इसमें ऑपरेट किया जाता है आप देख रहे हो इसमें दो दो प्रोसेसर है है ना दो दो प्रोसेसर आप इंस्टॉल कर सकते हो रैम आपका दो दो चार छ आठ रैम आप इधर इंस्टॉल कर सकते हो राइट तो ये सारी चीजें आप इधर इंस्टॉल एंड मैनेज कर सकते हैं समझ में आया तो ये मदरबोर्ड के कुछ टाइप्स हैं डिफरेंट डिफरेंट और उसके बाद इधर अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा रैम आ जाएगा अब रैम को मैंने बोला था कि बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है तो मदरबोर्ड को आपने देख लिया जैसे कि अगर हम मिनी आई टी एक्स मदरबोर्ड एसस का अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो यहाँ पे देखो आपका सात हजार आठ हजार ऐसे ये मदर बोर्ड देखने को मिल जाएंगे और काफी पावरफुल मदर बोर्ड होते हैं काफी चीजें आप इसपे ऐड कर सकते हो है ना और ये बता देगा कि इसमें कौन सा प्रोसेसर बोर्ड या क्या क्या चीजें आप इसमें सेट कर सकते हैं कितने फ्रिक्वेंसी से ये काम करता है इसी पर आपका जो प्रोसेसर यूनिट होता है जो लगाया जाता है उसमें आपको पता चल जाता है कि कितना पावरफुल प्रोसेसर इसमें आप इंस्टॉल कर सकते हो कितने कौन से सीरीज का प्रोसेसर आप इंस्टॉल कर सकते हो राइट तो सब कुछ इसी में होता है ए पी सी आई ई इसमें है कि नहीं है थ्री पॉइंट जीरो पोर्ट है कि नहीं है थ्री पॉइंट वन पोर्ट है कि नहीं है सब इसी मदरबोर्ड में आपका अवेलेबल होता है तो लेटेस्ट है तो इसमें काफी चीजें आपको देखने को मिल जाएगा और सिक्सटी फोर जीबी रैम आपको यहाँ पे बत्तीस बी का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा यानी कि बत्तीस बत्तीस जीबी की दो रैम स्लॉट आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो तो इसी तरीके से आप अपने मदरबोर्ड का कन्फिग्रेशन देखेंगे और उस उसपे कितना आप हार्डवेयर सपोर्ट ले सकते हो मॉडल नंबर देख कर इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं राइट तो ये सारी चीजें उसके बाद जस्ट मैं यहाँ पे देख, देखता हूँ रैम तो रैम भी हमारा सेम ऐसे ही होता है डी डी आर फोर रैम अगर हम लोग देखें डी डी आर फोर जो कि लेटेस्ट है बट ओल्ड हो रहा है हो चुका है रिप्लेस हो चुका है फाइव से बट डी डी आर फोर मदर बो सॉरी रैम ये अगर हम लोग देखें प्राइस वगैरह देखें तो रैम एग्जैक्टली exactly इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा डी डी आर फोर जो कि डेस्कटॉप पीसी के लिए ऐसा रैम मिलेगा ये लैपटॉप के लिए और काफी सस्ते सोलह जी बी रैम तीन हजार रुपए में ऐसे करके देखने को मिलेगा तो रैम का काम होता है रेंडम एक्सेस मेमोरी और टेम्परेरली डेटा स्टोर करता है करेंट टाइम जो भी आप काम कर रहे हो वो अपने रैम पर आप कर रहे होते हो राइट और जैसे ही आप अपने सिस्टम को ऑफ करते हो रैम डेटा को लॉस कर देता है और आप अगर डेटा परमानेंट सेव करना चाहते हो तो आपको हार्ड डिस्क में सेव करना होगा राइट तो ये जैसे ये पी मैंने ओपन किया है तो ये तो हमारे सिस्टम पर ओपन है और मैं इस पर काम कर रहा हूँ लेकिन जैसे ही मैं सिस्टम ऑफ कर ऑन ऑफ करूँगा ये हमारा पीडीएफ रैम के कंपोनेंट से डिलीट हो जाएगा रैम स्पेस से डिलीट हो जाएगा उसके बाद लेकिन ये हमारा मेन हार्ड डिस्क में तो रहेगा ना हम दोबारा से उसको फिर रैम पर लोड कर सकते हैं इस तरीके से ये रैम का काम होता है रैम के साथ जब भी आप यहाँ पे यूज करोगे तो रैम का आप सब कुछ नहीं समझना है जस्ट आपको यहाँ पे डी डी पे ही काम देखना है बट अगर आप प्रीवियस सब कुछ जानना चाहते हो तो यहाँ पे रैम जो है या मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी दो ता, दो टाइप से होता है मेमोरी <coughs> का मेन पर्पज होता है डेटा स्टोरेज या डेटा को स्टोर करना डेटा को या तो परमानेंट स्टोर किया जाता है या तो टेम्परेरली स्टोर किया जाता है परमानेंट मीन्स जब तक कि यूजर डिलीट ना करे अगर यूजर डिलीट कर देगा तभी हमारा डेटा डिलीट होगा तो ऐसे कौन से मेमोरी हैं ऐसे कौन से स्टोरेज हैं देखते हैं तो जितने भी हमारे सेकेंडरी टाइप के स्टोरेज हैं वो सभी हमारे आ जाते हैं परमानेंट स्टोरेज डिवाइस टिल यूजर नॉट डिलीट डेटा जब तक कि यूजर डेटा डिलीट ना करे जैसे हार्ड डिस्क है ऑप्टिकल डिस्क है जिसमें सी डी आप बोलते हो सी डी डीवीडी यूएस बी डिस्क है मल्टी मीडिया कार्ड है सॉलिड स्टेट ड्राइव है हार्ड डिस्क ड्राइव है ये सब होता है एक प्राइमरी मेमोरी होता है जिसमें प्राइमरी मेमोरी आपके दो टाइप्स के होते हैं एक रैम होता है और एक रोम होता है रोम जो होता है ना ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है नॉन वोलाटाइल मीन्स जो रोम है रीड ओनली मेमोरी ये आपका परमानेंट डेटा स्टोर करता है इवन देन इसमें डेटा आप डिलीट भी नहीं कर सकते बट अपग्रेड हुआ टेक्नोलॉजी और आगे चल के यहाँ पे डबल ईपी रोम का अपग्रेडेशन हो गया रोम के अंदर प्रोग्रामेबल बना इरेजिबल प्रोग्रामेबल बना अब इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यहाँ पे देखने को मिल जाता है तो डबल ईपी रोम का वर्क होता है इलेक्ट्रिकली इसके प्रोग्राम को इरेज करके आप इसमें दूसरा प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हो इसी को फ्लैश मेमोरी या बायोस भी बोला जाता है नॉन वोलाटाइल रेंडम एक्सेस मेमोरी या नॉन वोलाटाइल रीड ओनली मेमोरी नॉट रेंडम एक्सेस नॉन वोलाटाइल रीड ओनली मेमोरी आप इसको बोलते हो तो आपको अभी जो बायोस चिप देखने को मिलेगा या रोम देखने को मिलेगा उसको आप आसानी से रीप्रोग्राम भी कर सकते हो और जो हमारे पास देखो बायोस होता क्या है या रोम होता क्या मैं दिखाता हूं इस तरीके से आप देख रहे हो रोम मेमोरी ये जो है ना ये रोम मेमोरी है ओके और ये हमारा बायोस है तो रोम मेमोरी जो इस तरीके से होता है इसके अंदर प्राइमरी डेटा या प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर किया जाता है और अगर हमारा सिस्टम बूट होता है तो रोम की ही वजह से या प्राइमरी ओएस की ही वजह से ये बूट होता है तो हमारा प्राइमरी ओएस इसी के अंदर इंस्टॉल होता है क्लियर है यानी कि बायोस आपका उसी के अंदर इंस्टॉल हो अब आगे अगर हम लोग देखें रैम रैम दो तरीके का है एस डी एस रैम और डी रैम स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम अभी अगर डी रैम की हम लोग बात करें तो डी डी आर वन डी डी आर टू डी डी आर थ्री एंड डी डी आर फोर आई थिंक डी डी आर थ्री भी अब कोई नहीं इस्तेमाल करता है डी डी आर फोर एंड डी डी आर फाइव जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और रीड ओनली सॉरी रेंडम एक्सेस मेमोरी के डेटा को स्टोर करने के लिए तो DDR4, DDR5, आर FSB, I think 5600 फाइव 5800 FSB आपको DDR5 पर या 6400 FSB का ऐसा देखने को मिल जाएगा अभी जब तरीके से मार्केट में डिवाइसेस के साथ लोग एक्सपीरियंस करेंगे तो एक्जैक्टली exactly पता चलेगा कि कितना एफ एस बी है और इन रैम का क्या होता है कि क्लॉक होता है या फ्रिक्वेंसी होता है एफ एस बी फ्रीक्वेंसी रेट होता है कि कोई रैम छब्बीस सौ पे काम कर रहा है तो मतलब ये स्लो होगा आज का अगर डी डी आर फोर है बत्तीस सौ तो मतलब इससे फास्ट होगा बट अगर आप पुराना टेक्नोलॉजी देखेंगे बहुत पुराना मैं इन रैम वगैरह को दिखाता हूं ये डी डी आर फोर तो सबसे पुराने में अगर आप देखेंगे तो आपको जो इसका एफ एस बी रेट मिलेगा क्लॉक रेट वो हंड्रेड होता था आज के समय पर पांच हजार से भी ज्यादा क्लॉक रेट देखने को मिल जा रहा है नॉर्मल थर्टी टू हंड्रेड आप डी डी आर फोर में देखने को पा रहे हो मतलब थर्टी टू टाइम टेक्नोलॉजी फास्ट हो चुका है इतना जल्दी है ना तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये जो रैम था पुराना ये ढाई बोल्ट पुराने मदरबोर्ड पे जो कंपोनेंट्स होते थे वो हैवी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते थे आज के जो रैम मदरबोर्ड हैं, वो देखो वन बोल्ट या वन पॉइंट टू बोल्ट पर ऑपरेट हो जाते हैं लेटेस्ट मदरबोर्ड और इसकी कंपेयर में अगर देखा जाए तो काफी हैवी डेटा आउटपुट या क्लॉक रेट मेगा हर्ट स्पीड ये सब हमें प्रोवाइड कर देते हैं इनकी कैपेसिटी अगर देखा जाए तो डी डी आर वन वन जी बी तक अवेलेबल था बट ये सिक्सटी फोर तक के रैम अवेलेबल हैं डी डी आर फोर में राइट तो इस तरीके से आप रैम की कैपेसिटी और सारी चीजें देख सकते हो इंटरव्यू वगैरह में मैक्सिमम डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर से जो अभी तक हम लोगों ने टॉपिक कवर किया उसमें कोई के बारे में मल्टीमीडिया इंटरफेस फॉर हैवी ग्राफिक आउटपुट के लिए है अनदर अगर बोल दिया जाता है कि यूएसबी थ्री पॉइंट वो क्या है तो इट इज यूएस बी पोर्ट टू कनेक्ट यूएस बी डिवाइसेस एक्सटर्नल पेन ड्राइव ओके टू ट्रांसफर डेटा ओके टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब पर्पज से हम लोग इस, इस्तेमाल करते हैं तो वॉट इज द लेटेस्ट पर्पज इन यूएस बी सॉरी लेटेस्ट पोर्ट इन यूएसबी तो यूएसबी टाइप सी ओके उसका भी एक अपग्रेडेड मॉडल देखने को मिलेगा थंडर बोल्ट राइट नॉर्मल मदरबोर्ड के टाइप्स वगैरह पूछा जा सकता है ए सीटीएक्स में क्या डिफरेंस है लेटेस्ट मदरबोर्ड में हमारा ए तो नहीं चल रहा है तो ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे डी डी फोर का मैक्सिमम एफ कितना है है ना तो यहाँ पे टू वन थ्री थ्री है बट थर्टी टू हंड्रेड मेगा तक आप इसको, इसको इस्तेमाल करते हो और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना मेगाबिट पर सेकेंड से ये ट्रांसफ़र कर सकता है और उसके बाद यहाँ पे आप देख हो तो इसका कैपेसिटी कितना है वोल्टेज कितना ऑपरेट करता है वोल्टेज पूछा जा सकता है तो जो हमारा रैम स्लॉट होता है ना रैम स्लॉट जहाँ पे बना होता है मदरबोर्ड पे उसमें वोल्टेज लिखा होगा तो भी आप समझ जाओगे कि कौन सा मदरबोर्ड उधर इस्तेमाल सॉरी कौन सा रैम उधर इस्तेमाल होगा ऐसे हमारा रीड ओनली मेमोरी है रीड ओनली मेमोरी जो कि अभी आपने देखा था मदरबोर्ड पे छोटा सा चिप जैसा था इसको भी हम लोग फ्लैश कर सकते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है जो कि इस वन टाइम प्रोग्राम किया जाता था और ये ओनली रीड का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी था तो ये वन टाइम प्रोग्राम किया जाता था इसमें ये परमानेंट डेटा स्टोर करता था और इसमें डेटा चेंज नहीं किया जा सकता था बट इसका अपग्रेड हुआ ईपी रोम इस तरीके से कुछ चिप इस तरीके से दिखने लगा और इसमें एक तरीके का बोल सकते हो कि आप डेटा को इरेज भी कर सकते हो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी तो रीड ओनली मेमोरी है चिप सेट है बट पार सप्लाई और इन सारी चीजों के साथ आप बोल सकते हो कि इसके डेटा प्रोग्राम को भी इरेज कर सकते हो अल्ट्रा वॉलेट रेज वगैरह से भी इसको क्या कर सकते हो प्रोग्राम्स वगैरह को इरेज कर सकते हो आगे की जो चिप बनी वो इस तरीके के मॉडल में है और ये भी इलेक्ट्रिकली इंटरफेस uh, में लाकर इसके भी प्रोग्राम को इरेज किया जा सकता है और ये बहुत ही एक सेंसिटिव मेमोरी बोल सकते हो कि अगर ये काम करना बंद कर दे और इसमें कन्फिग्रेशन प्रोग्राम गलत हो जाए या वर्जन मैच ना हो या प्रॉपर तरीके से ना हो क्योंकि इसके अंदर हर तरीके का प्रोग्राम नहीं लोड किया जा सकता इसके लिए स्पेशली इस फॉर्मवेयर को डिजाइन किया गया होता है कि किस तरीके के हार्डवेयर पर यह सपोर्ट करेगा या किस तरीके का रोम होगा आपके पर्टिकुलर मशीन के लिए उसमें कितने सारे कंपोनेंट हैं उन सभी के कंपोनेंट से रिलेटेड इसके अंदर वो प्रोग्राम डाला जाता है तो जब आप एक कंप्यूटर सिस्टम पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो लाइक विंडोज टेन आप इंस्टॉल कर रहे हो और आपके सिस्टम पर रैम लगा हुआ है हार्ड डिस्क लगा हुआ है यूएसबी पोर्ट है प्रोसेसर है अनदर बहुत सारे कॉम्पोनेंट हैं तो इन सभी हार्डवेयर कॉम्पोनेंट को मैनेज कर रहा होता है आपका रोम बायोस ठीक है और जब आप पावर सप्लाई देते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम को तो बायोस क्या करता है पहले टर्न ऑन होता है ये प्राइमरी ओएस बोल सकते हो ये सेकेंडरी ओएस है तो ये हमारा प्राइमरी ओएस बूट होता है और सबसे पहले बूट होने के बाद पोस्ट चेकिंग करता है सिस्टम पर जिसको बोला जाता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट और इस प्रोसेस में क्या होता है कि जितने भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे कंपोनेंट्स लगे होते हैं हार्डवेयर पेरिफेरल्स होते हैं सारी चीजों को ये चेक करता है और कोई भी कंपोनेंट अगर काम नहीं कर रहा है तो इसका काम होता है कि उस एरर को स्क्रीन पर प्रेजेंट कर देना राइट और एक तरीके का आपके हार्डवेयर और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में मीडिएटर का भी काम करा रहा है राइट अगर ये प्रोग्राम काम करना बंद कर दे तो आपका सिस्टम समझ लो डेड हो जाएगा आपको री प्रोग्राम करना पड़ेगा आपके फ्लैश मेमोरी को कोई स्क्रीन पर आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा डेड बिल्कुल मिलेगा राइट तो ये हमारे प्रोग्राम्स एंड मेमोरी uh, और इसके टाइप्स होते हैं बट यहाँ पे एक चीज और आपको देखने को मिलेगा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह कुछ इस, uh, इस तरीके से आपको एक्सटर्नल स्टोरेज मिल जाएंगे ये सब कुछ ये सी डी है और ये हमारा साटा हार्ड डिस्क है ये एनवीएमई है और ये हमारा साटा हार्ड डिस्क है ये साटा एसएसडी है और ये साटा हार्ड डिस्क है ये आपका अगर एक सेकेंड में सौ एमबीपीएस का स्पीड प्रोवाइड कर रहा है तो एस एस डी पे अगर आप अपग्रेड करते हो अपने उसी मशीन को तो आपको एक हजार एम बी पी एस का स्पीड देखने को मिल जाएगा टेन टाइम फास्ट स्टोरेज आपका हो जाएगा अगर आप इस डिस्क से अनदर एस एस डी में मूव करते हैं तो ऐसे हमारा जो सी डी डीवीडी होता है ये सात सौ एम बी डेटा स्टोर करता है और ऐसे ही डीवीडी होता है डीवीडी में आपका लगभग में 17 टू एटीन जी बी डेटा स्टोर किया जाता है हम लोगों ने फोर पॉइंट सेवन जी बी का डीवीडी देखा होगा बट सेवनटीन टू एटीन जी बी का डेटा स्टोर होता है ऐसे ही आपका इसका एक अपग्रेड है ब्लू रे डिस्क जिसको बीडी बोला जाता है जिसमें गेमिंग वगैरह की डीवीडी बीडी बनती है गेमिंग वगैरह और काफी मोटी ये बीडी होती है ब्लू रे डिस्क होता है और बहुत ही रफ एंड टफ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है हैवी डेटा इसके अंदर होता है गेम बहुत बड़े बड़े होते हैं तो इसमें अप टू फिफ्टी जी आप डेटा क्या कर सकते हो स्टोर कर सकते हो ऐसे हमारा पेन ड्राइव है ये तो वन टी तक में आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएगा मेमोरी कार्ड है ये भी वन टी तक या आई थिंक इससे भी ज्यादा कम हो सकता है इसके बारे में आप देख सकते हो ये सेकेंडरी स्टोरेज और परमानेंटी स्टोरेज होते हैं इनमें जब तक यूजर डेटा डिलीट नहीं करेगा तब तक आपका डेटा डिलीट नहीं होता है फिर हमारे कुछ हार्डवेयर यूएसबी पोर्ट्स आ जाते हैं ये यूएसबी ए टाइप इसको बोलते हैं ये यूएसबी बी टाइप होता है और ये हमारा यूएसबी माइक्रो बी टाइप होता है ये माइक्रो है जो कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह में आपको देखने को मिलेगा ये आपको माइक्रो यूएसबी है और ये आपका मिनी यूएसबी है ये भी मार्केट से जा चुका है ये भी बहुत कम देखने को मिलेगा अभी क्या देखने को मिलेगा ये देखने को मिल रहा है राइट यूएसबी सी टाइप देखने को मिल रहा है अगर यूएस बी वन पॉइंट वन वर्जन की बात की जाए पुराना तो ट्वेल्व एम बी पी एस है यूएस बी टू की बात की जाए तो फोर एटी एमबी पी एस है थ्री की बात किया जाए फाइव जी बी और अगर हम लोग यूएस बी का ये वाला देखें जो कि व्हाइट कलर या ब्लैक कलर में होता है तो यूएस बी टू पॉइंट तक का सपोर्ट करता है उसके बाद अगर इसकी बात करें तो ये ब्लू एंड रेड टाए, रेड टाइप में आपको देखने को मिलेगा तो ये समझ लो थ्री वर्जन का डेटा ट्रांसफर कर सकता है जिसमें अप टू टेन जी बी पी एस तक का स्पीड आपको देखने को मिलेगा तो आप कौन से डिवाइस या लैपटॉप ही खरीदने जा रहे हो तो एटलीस्ट उस पर एक सी टाइप और एक यूएसबी 3.0 थ्री पॉइंट का पोर्ट होना चाहिए या तो थ्री ओ का या तो थ्री वन का ताकि आप लेटेस्ट डिवाइसेस को उसके साथ इस्तेमाल कर पाए है ना okay. क्लियर हुआ यहां तक हो गया सबका Hello. Okay.